दोस्तों क्या होगा अगर हम 2020 में बने ट्रेन के ट्रैक और सन 1960 में बने ट्रेन के ट्रैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, और आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन नए और पुराने रेल के ट्रैक में से कौन सा ट्रैक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2020 में बने ट्रेन के ट्रैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। और दोस्तों जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन इस ट्रैक पे पड़ता है तो लगभग 11.5 टन का वजन पड़ते ही ये ट्रैक पूरी तरह से पिचक जाता है। चलिए अब सन 1960 में बने ट्रैक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले सच्चे भारतीय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिख दीजिए। और दोस्तों लगभग 90 टन का वजन लगाने के बाद भी हाइड्रोलिक प्रेस इस ट्रैक का कुछ नहीं बिगाड़ पाया।